गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आलू की सब्जी तो आप हर रोज खाते होंगे, लेकिन क्या कभी इसका इस्तेमाल अपने चेहरे के ऊपर किया है? जी हाँ, आलू का रस लगाने से हमारी स्किन की बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। लंबे समय तक हमारी स्किन यूथफुल बनी रहेगी, स्किन के ऊपर रौनक रहेगी। और अगर आप ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो आलू बहुत ज्यादा फायदेमंद है इसके लिए। स्किन के गहराई तक जाके, हमारे चेहरे की गहराई तक जाके इसे डीप क्लीन करता है। आलू डेड स्किन सेल्स को निकालता है, एक्स्ट्रा ऑयल को भी हटाता है हमारे स्किन के ऊपर से। एंटी एजिंग गुण होने के चलते हमारे स्किन से झुर्रियां, फाइन लाइंस को भी खत्म करने का काम करता है। आलू में मौजूद पोटेशियम हमारे स्किन से दाग धब्बे और पिगमेंटेशन को कम करने में बहुत ज्यादा कारगर है। हमारे स्किन से डार्क स्पॉट और टैनिंग को भी दूर करता है, खत्म करता है। और सबसे अच्छी बात है कि आलू सबके घरों में इजीली मिल जाता है, बहुत सस्ता होता है, सभी सब्जियों से सस्ता होता है। और इससे ज्यादा इस्तेमाल हम किसी भी दूसरी सब्जी का नहीं करते हैं। आलू एक नेचुरल ब्लीच है, अगर आप लगाते हैं तो आपकी स्किन तुरंत ही चमक जाती है। तो आज हम आलू से ही 4 स्टेप फेशियल करेंगे, जो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। आप सभी को पता है कि फेशियल के 4 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन करूंगी, और फेशियल करना था तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है। मैंने लिया है एक मीडियम साइज का आलू, इसका जूस निकालना है। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इसके छोटे छोटे से टुकड़े काट के मिक्सी में पीस लीजिए, नहीं तो बारीक वाले ग्रेटर पे ग्रेट करके और फिर हाथों से निचोड़ के कपड़े से छान सकते हैं। इस तरह से मैंने ग्रेट कर लिया। अभी ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन फेशियल के चारों स्टेप में इसके जूस को हमें शामिल करना है। और ये जो बचेगा हमारा आलू का, इसे फेंकना नहीं है, आंखों के ऊपर लगा सकते हैं या इसका स्क्रब भी बना के यूज कर सकते हैं। आलू को कट करके ज्यादा टाइम तक रखेंगे तो वो काला पड़ जाएगा, इसलिए जब भी फेस पैक बनाना हो या फेशियल करना हो तो उसी समय इसको ग्रेट करके या पीस के इसका जूस निकाल के और तुरंत ही इस्तेमाल कर लीजिए। फेस को क्लीन करने के लिए हमें लेना है 1 चम्मच पोटैटो जूस, 1 चम्मच हनी, यहाँ पे मैंने रखा है, और 4 से 5 ड्रॉप लेमन जूस। इस तरह से मैंने बना लिया है क्लींजर। एक कॉटन बॉल लेंगे, इसमें डिप करेंगे। अगर आपको लेमन जूस नहीं सूट करता है तो उसे स्किप कर सकते हैं, सिर्फ हनी और पोटैटो जूस का आप मिक्स करके क्लींजर बना सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक मसाज करेंगे। सारी गंदगी निकल जाएगी। अगर हम घर में भी रहते, कहीं बाहर नहीं निकलते, और लगता है कि हमारा चेहरा बिल्कुल साफ है, तो ऐसा नहीं होता है। देखो कॉटन कितना ज्यादा गंदा हो गया, इसको मैं हटा देती हूँ, दूसरा साफ वाला कॉटन लेती हूँ। जबकि नहाने के बाद मैं रूम से कहीं नहीं निकली हूँ, धूप इतनी तेज होती है कि कहीं निकलने वाला मौसम भी नहीं रहता। दोपहर को थोड़ा सा आंखों के अंदर चला गया, आप संभाल के करना। लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें लेमन जूस डाला है ना, मेरी आंखों के अंदर चला गया था, इसलिए मैंने जल्दी चेहरा साफ कर लिया, पानी से धो लिया। आप 3 से 4 मिनट तक मसाज करेंगे तो सारी डर्ट इम्प्योरिटीज निकल जाएगी। कोई भी फेशियल करे, मेकअप करे या कोई भी फेस का ट्रीटमेंट करे तो पहले फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद हम लगाएंगे स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच गेहूं का आटा और 1 चम्मच आलू का रस, दोनों को मिक्स कर दिया। और इससे हम अपने फेस 5 मिनट तक स्क्रब करेंगे। गेहूं के आटे की जगह आप चावल का आटा ले सकते हैं, बेसन ले सकते हैं।
तरे के साथ साथ गले पे भी जरूर लगाइए। फॉरेस्ट फेशियल करने का टाइम ना भी हो तो आप अपने चेहरे को वीक में दो बार एक्सफोलिएट कर सकते हैं आलू के जूस से, उसमें गेहूं का आटा, चावल का आटा या बेसन कुछ भी मिक्स करके, और फेस पैक भी बना के लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत तेज धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, तो ऐसे में जो लोग बाहर निकलते हैं, मैं तो बहुत कम ही निकलती हूँ, लेकिन कई लोगों को ज़्यादा काम होता है तो निकलना पड़ता है। ऐसे में स्किन बहुत ज़्यादा टैन होती है, काली पड़ जाती है, ऐसे में आलू का जूस बहुत काम करता है। इतने से ही चमक आ गई है फेस के ऊपर। अभी तो स्टेप बाकी है, अब बना लेंगे मसाज क्रीम। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 चम्मच पोटैटो जूस, जो सबसे पहले ही निकाल के रख लिया था। 1 चम्मच डाल देंगे एलोवेरा जेल, जो कि गर्मियों में हमारे स्किन के ऊपर ठंडा ठंडा कूलिंग सा इफेक्ट देगा। 3 से 4 ड्रॉप मिक्स कर लेंगे बादाम रोगन। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी आ जाए, जिससे हम मसाज कर सकें। आठ से 10 मिनट तक मसाज करेंगे। तब तक मसाज करेंगे जब तक कि क्रीम पूरी तरीके से हमारे स्किन के ऊपर अब्सॉर्ब नहीं हो जाती। इसे आंखों के ऊपर भी कीजिए, डार्क सर्कल पे बहुत अच्छा काम करता है आलू का जूस। गर्मियों के लिए ये बेस्ट फेशियल है। ऐसे तो आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है हमारे स्किन के ऊपर, उसमें आलू बहुत अच्छा वर्क करता है। आलू का जूस, स्किन बहुत ज़्यादा टैन होती है, काली पड़ जाती है, स्किन जल जाती है हमारी, स्किन काले धब्बे हो जाते हैं। अनइवन स्किन के लिए ब्लीच का काम भी करता है आलू का जूस। आलू में विटामिन B6 होता है, जो एजिंग की समस्या को भी दूर करता है, स्किन को साफ सुथरा और ग्लोइंग बनाए रखता है। जब ये क्रीम हमारे स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इसी के ऊपर हम पैक लगा देंगे, फेस को धोएंगे नहीं। अभी पैक बना लेते हैं और इसी के ऊपर अप्लाई करेंगे। पैक में बहुत कूलिंग सा होगा, क्योंकि पोटैटो जूस के साथ मैं मिक्स करने वाली हूँ चंदन पाउडर। 1 चम्मच जूस में 1 चम्मच सैंडल पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे। इसको अपने हाथों से या ब्रश से किसी से भी लगा सकते हैं, जिससे आप कंफर्टेबल हो। जस्ट आंखों के नीचे भी लगा सकते हैं, क्योंकि डार्क सर्कल पे बहुत अच्छा वर्क करता है पोटैटो जूस, और इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। यही तो फायदा है होम रेमेडी का, कि आप आंखों के ऊपर, नीचे, लिप्स के ऊपर, सभी जगहों पे लगा सकते हैं।
लेकिन ऊपर में मैं रखूंगी आलू का पल्प जो निचोड़ के रखा है उसको आंखों के ऊपर रखूंगी, इसलिए नहीं लगा रही। 10 से 15 मिनट रखेंगे, उसके बाद पानी से धो लेंगे, क्योंकि गर्मियों का समय है तो जल्दी सूख जाता है पैर, ठंड में थोड़ा सा टाइम लगता है। 10 मिनट पैक को रखने के बाद वो सेमी ड्राई हो गया था, तो पानी से चेहरे को धो लिया और कितनी अच्छी चमक आ गई है फेस पे और बहुत सॉफ्ट भी लग रहा है, क्योंकि मैंने इसमें मसाज क्रीम बनाने के टाइम में ऑयल डाल दिया था बादाम रोगन वाले, तो उससे मॉइस्चर बना हुआ है। इसके बाद आप अपना फेवरेट फेस सीरम या मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। अगर दिन में कहीं जाना है, अगर नहीं भी जाना है तो डे टाइम में अगर फेशियल किया है तो मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो शूट करने का, चेहरा भी डल पड़ा हुआ था क्योंकि कुछ दिनों से हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं टाइम पे वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो एक सिंपल सी फेशियल की वीडियो बनाती हूँ, इससे मैं रिफ्रेश फील करूंगी, अच्छा लगेगा। अगर आप भी अपने चेहरे पे रौनक बनाए रखना चाहते हैं, स्किन पे ग्लो को मेंटेन करना चाहते हैं, स्किन के दाग धब्बे झुर्रियों झाइयों से दूर रहना चाहते हैं, बहुत तेज धूप हो रही है सन टैन से बचना चाहते हैं, सनबर्न से बचना चाहते हैं, तो इस फेशियल को कम से कम 15 दिन में एक बार जरूर करें। अगर समय है तो सप्ताह में एक बार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो इजीली आपको घर में मिल जाएंगे, और इसका स्टार जो इंग्रेडिएंट है आलू वो तो सबके घर में इजीली मिल जाता है, और फेशियल में बहुत ज़्यादा खर्चे भी नहीं होने वाले हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, आई विल सी यू सून, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, बाय।